शाहपुर में भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष लक्की सुमन पर जानलेवा हमला, गंभीर हालात में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्राम सुईकला का मामला देहात थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। मामला शाहपुर जिले के सुईकला का है, जहां भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्की सुमन पर जानलेवा हमला करने का मामला प्रकाश में आया। यहां सूत्रों की माने तो पुरानी रंजिश और विगत दिनों हुए पंचायत चुनाव को लेकर चली आ रही रंजिश को लेकर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष लक्की सुमन पर सुईकला के पूर्व सरपंच के साथियों ने उस समय हमला कर दिया जब विक्की सुमन मंगलवार को सुईकला में होने वाले भाजपा युवा मंडल कार्यक्रम को लेकर गोपालपुर से चंदा इकट्ठा करके लौट रहे थे। तभी गोपालपुर रोड पर पूर्व सरपंच द्वारा भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्की सुमन को रोककर मारपीट कर दी। कहा कि विक्की सुमन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां इनका इलाज जारी है। वहीं मामले की सूचना के बाद देहात थाना पुलिस जांच में जुट गई। शाहपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। ये जो भाजपा मानपुर के नगर मंडल अध्यक्ष के साथ में जो घटना घटित हुई है, इसको लेकर के क्या मामला था, किस मामले को लेकर के घटना को अंजाम दिया गया? ये युवा मोर्चा का एक कल सुईकला में मंगलवार को एक युवा सम्मेलन है भारतीय जनता पार्टी का, उसके लिए हम गोपालपुरा में चंदे के लिए गए थे और तीन चार मोटरसाइकिलें उधर से हम जैसे वहाँ से चाय माय पी के और उनसे 200 रुपये लेके उसकी वोट के और जैसे निकले और आगे इनने मोटरसाइकिलों पे एकदम आगे मोटरसाइकिल लगा दी। किसने रोकी थी आपकी मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल ये जो नए नातूलाल जी है, नरेश है और उनके जो राहुल है, तीन चार उनके लड़के थे, ये 7 लोग थे। इन्होंने वो लग के और उसकी पिटाई शुरू कर दी कि डंडों से, लाठी से और भी थे उनके पास में। तो ये पिटाई क्यों करी? क्या पहले से कोई रंजिश चली आ रही थी? पहले से ऐसी कोई बड़ी रंजिश नहीं थी। अभी ये था कि ये नया युवा शक्ति सोई में एक नया कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का करने के लिए जा रहे हैं, वो कार्यक्रम उनको नहीं पचा, इसलिए वो पूरा कार्य किया। क्यों? वो बहुत जोरदारी से ही युवा भारतीय जनता पार्टी का वो एक सम्मेलन हो रहा था, उसमें काफ़ी लोग वहाँ आकर और संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमारे नेता और लोग भी लगे थे और बड़ी ताकत से वो कार्य चल रहा था और वो उस कार्य की वजह से ये मुझे दिखा। पूरा जो भी रंजस हुई है उसी कार्य की वजह से। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम सोई में आयोजित होने जा रहा था, उस कार्यक्रम को विफल बनाने के प्रयास में ये हमला किया गया था? ये हमला किया। सुरेश सुमन। सुरेश जी, ये जो भाजपा नगर मंडल मानपुर के अध्यक्ष के ऊपर जो हमला हुआ है, इस हमले को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहूँगा सर कि ये बार बार हम पर क्यों हमला करते हैं? पहले भी हमारे ऊपर झूठा केस लगाने की कोशिश की इन्होंने, 76 लक्की के ऊपर, मेरे ऊपर बार बार हमें मारने की धमकी दी जा रही है और जो आज ये घटना हुई है, हमें बेवजह और बेबुनियाद मतलब रुका के पीटा गया है। ये लक्की को मारा, मेरे को मारा, अंकल को भी पीटा उन्होंने, बिना बात ही, कोई बात ही नहीं है, बिना बात ही पीटा। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि पहले भी इस प्रकार की घटना ये लोग अंजाम दे चुके हैं? हाँ। कौन कौन लोग थे उसमें? ये नातू सरपंच था और नरेश, सम्मू, राहुल, मोनू और भी उनके कुछ लड़के थे। मतलब कुछ समूह बना करके आपके ऊपर हमला किया? हाँ, गया हमला किया। घटना किस स्थान की थी? ये घटना गोपालपुरा के ओली तरफ उनके खेत के पास की घटना थी, गाड़ी लगा के हमें रोक कर ये घटना की। मतलब सोई के पास जो गोपालपुरा है, हाँ, वहाँ की घटना है ये? हाँ जी। किस समय घटना घटित हुई थी? ये सुबह 10 बजे के आसपास की। आज सुबह की 10 बजे की। मामला पुलिस के संज्ञान में दिया आपने? हाँ बिल्कुल। अभी क्या स्थिति है मानपुर मंडल अध्यक्ष की? अभी ठीक है, हालत तो वैसे गंभीर है लेकिन अभी तो ठीक ठाक ही बोल रहा है।